हेलो हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, थ्योरम है सर्कल का, बहुत इम्पोर्टेंट है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिया जाता है, उनसे केवल एक सर्कल ही पास कर सकता है। इसको कैसे प्रूव करें? पहले थ्री पॉइंट्स लेते हैं नॉन कोलिनियर, एक दो तीन, ए बी सी नाम दे दिया, ए बी सी, ज्वाइन ए बी एंड बी सी, ज्वाइन कर दिया। नाउ ड्रॉ द, लिखेंगे टेक टेक थ्री पॉइंट्स इन ए प्लेन एज ए बी एंड सी, ज्वाइन ए बी एंड बी सी, ज्वाइन किया, ठीक है। अब क्या करेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। अगर इसका ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से कुछ आएगा, और ए बी का भी करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। जहां दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिले उसको ओ ले लीजिए, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको मिले उसको ओ ले लीजिए, ओ से आप ज्वाइन कर दीजिए इनको, बी को भी, ए को भी और सी को भी। अब ओ पे कंपास रख के और ए बी सी किसी एक पे निडल रख के अगर इसको घुमाया जाता है तो हमारा एक सर्कल बन जाता है, कुछ यूं ऐसे यूं सर्कल बन जाएगा हमारा। तो इसे ये प्रूव हो जाता है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्कल होके गुजर सकता है, ठीक है। ऐसे भी इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए कि ये प्रोसेस क्यों किया गया। जैसे आपके पास अनदर क्वेश्चन पूछ जाए, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ए गिवन सर्कल, कोई एक सर्कल दिया हुआ है जिसका आपको सेंटर पता नहीं है, तो उसका कैसे निकालेंगे? क्या करें? सर्कल लिया, सर्कल खींचा हुआ है या बैंगल की हेल्प से सर्कल खींचा हुआ है, उस सर्कल के ऊपर तीन पॉइंट लेंगे कोई भी अपने मन से, उन तीनों को ऐड करने की कोशिश करेंगे, दो दो को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, ज्वाइन ए बी और बी सी, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचते हैं, ए बी का भी और बी सी का भी, और जहां भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यही हमारा सेंटर हो जाता है। जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो हमारा सेंटर बन गया। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।